माँ लखना को प्रणाम करता हूँ, बड़े बुजुर्गों को नमन करता हूँ और बच्चों को ढेर सारा प्यार देता हूँ। एक विशेष टॉपिक लेकर हाजिर हूँ, चर्चा करेंगे, बात करेंगे जुलाई माह के मासिक राशिफल की। क्या आखिर भाई क्या होगा जुलाई वालों का, कैसा रहेगा ओवरऑल महीना, इस पर चर्चा करेंगे। ये महीना वैसे बड़ा इम्पॉर्टेंट है। आषाढ़ मास 5 जुलाई को ख़त्म हो रहा है, 6 तारीख से सावन शुरू हो रहा है और सावन खास तौर से शिव जी का महीना है और काफ़ी कुछ चीज़ें नई अच्छी लेके आती है। तो ओवरऑल महीना जुलाई का, जो कि महीनों में राजा कहा जाता है, वो ओवरऑल जो मैं देख पा रहा हूँ 8 राशि से लेकर 10 राशि तक के लोगों को अच्छा ही रहेगा। 2 राशियों का थोड़ा सा गड़बड़ दिखता हुआ नज़र आ रहा है। तो अब चर्चा कर लेते हैं भाई, सबसे पहले मेष राशि वालों की। तो मेष राशि वालों, घरेलू उलझने, पारिवारिक मतभेद बढ़ेंगे, क्रोध वाणी की वजह से बने हुए काम बिगाड़ सकते हैं, तो अपने गुस्से पर नियंत्रण रखिएगा। बिजनेस में अपने कम्युनिकेशन स्किल्स, अपने इंटेलिजेंस को जितना हो सके यूज़ करिएगा, तभी चीज़ों में लाभ मिलेगा। कार्यों में एनर्जी रहेगी और आसानी से वर्क प्लेस पे, ऑफिस में आपका नाम रोशन होगा। मनवांछित स्थान पे स्थान परिवर्तन हो सकता है, जीवन अच्छा है। शिवलिंग पर 3 बेलपत्र चढ़ा दीजिए सोमवार के दिन सावन के शुरुआत के बाद। वृषभ राशि वाले, परिस्थितियों में जरूर आपके लिए पॉजिटिविटी आई है। ओवरऑल घर गाड़ी बंगला पढ़ने की उम्मीद है, कोई इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, हर तरह से आय बढ़ती हुई नज़र आ रही है, पैसा रुपया बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन भाई बंधुओं से थोड़ा बहुत विवाद हो सकता है और हो सकता है आपको थोड़ा सा गुस्से की वजह से घर में छोटी मोटी दिक्कत, समस्या, परेशानी आए, लेकिन मैरिटल लाइफ बेहतर होगी, माता पिता के साथ संबंध बेहतर होंगे, रिजल्ट जिन लोगों के अवेटेड हैं वो अच्छे आएंगे इस महीने में। हो पाए तो शिव अमोक कवच का पाठ करिए सोमवार के दिन। मिथुन राशि वालों, बुद्धि की वजह से कोई बड़ा काम फलीभूत होगा जुलाई के महीने में, आर्थिक क्षेत्र में तरक्की होगी, व्यापार में खास तौर से कोई नया मौका मिल सकता है, बस कोई जल्दबाजी में निर्णय ना लें नहीं तो दिक्कत बढ़ सकती है। धन हानि के अगर कोई सहयोग बीच में बन भी रहा है तो थोड़ा सा विवेकपूर्ण फैसले लीजिएगा, वो टाला जा सकता है। उसी के साथ साथ क्रोध और व्यर्थ की चिंता त्याग दीजिएगा, जीवन बेहतर होगा। क्या कर सकते हैं, रुद्राष्टक का पाठ रोज करिए, लाभ मिलेगा। कर्क राशि वाले, आर्थिक रूप से ये महीने में थोड़ी बहुत उथल पुथल हो सकती है, थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, खर्चे बढ़ सकते हैं, मन बुद्धि थोड़ा सा भ्रमित हो सकती है, छोटी छोटी बात को लेकर वाणी विवाद बढ़ेगा और उसी के साथ साथ वाणी दोष भी लगेगा। स्वास्थ्य को लेकर छोटी मोटी दिक्कत आ सकती है और मित्र वर्ग धोखा दे सकता है। किसी भी नए काम में इन्वेस्टमेंट हो तो त्याग दें तो लाभ मिलेगा। सोमवार का व्रत करें, लाभ मिलेगा। सिंह राशि वालों, महीने का प्रारंभ में ही आपको लाभ होने के संकेत हैं, इसके बाद 15 तारीख के बाद थोड़ा खर्चे बढ़ सकते हैं, शादी और विवाह के लिए फिक्स करने के लिए अच्छा समय है। क्रोध बढ़ेगा तथा सरदर्द तथा रक्त विकार, हाई बीपी वगैरह हो सकता है। परिवार में कलह एवं चोट लगने का आपको योग बन रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। व्यापारिक रूप में स्थिरता आएगी और उथल पुथल का माहौल खत्म होगा। दुर्गा सप्तशती का पाठ करिएगा। कन्या राशि वालों, महत्वपूर्ण काम पूर्ण होता हुआ दिख रहा है, नौकरी व्यापार में तरक्की हो रही है, उसी के साथ साथ आपका दायरा बढ़ेगा, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, नवीन कार्य में कोई ना कोई कार्य होगा जिससे आपको लाभ मिलेगा, प्रॉपर्टी में कोई इन्वेस्टमेंट हो सकता है, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट हो सकता है, इसमें लाभ मिलेगा। ओवरऑल आर्थिक रूप से मजबूत दिख रहा है इस महीने। मन में थोड़ी बहुत असंतुष्टता रह सकती है, इस कारण क्रोध रहेगा तो उसको कंट्रोल करने की कोशिश करिएगा। शिव स्तुति का पाठ करिए, लाभ मिलेगा। अब बात कर लेते हैं भाई तुला राशि वालों की। लाभ के क्रिए के प्रयास सार्थक होंगे, कोई नया कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा, कोई नया काम मिलेगा, 5 जुलाई से किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति के सहयोग से लाभ मिलेगा, किसी कार्य जो पूर्ण में रुके हुए थे वो पूर्ण होते हुए दिख रहे हैं, यात्रा में लाभ मिलता हुआ दिख रहा है, सरकारी क्षेत्र में लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। आपको क्या करना है, नमः शिवाय का पाठ करना है रोज 12 बार। वृश्चिक राशि वालों, पारिवारिक उलझने और व्यापार में नौकरी में थोड़ी बहुत दिक्कत रहेगी, योजनाओं में थोड़ी बहुत बाधाएं आ सकती, परिवार में मतभेद हो सकता है, सरकारी नौकरी में तथा और चीज़ों में थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है, थोड़ा फोकस रखिएगा। बजरंग बाण का पाठ आपके लिए लाभकारी है। धनु राशि वाले, जबरदस्त खर्चा बढ़ेगा, स्वास्थ्य थोड़ा खराब हो सकता है, संतान पक्ष से हालांकि शुभ समाचार मिलेगा, उसकी शिक्षा में लाभ मिलेगा, नौकरी कर रहे हैं तो उसमें कोई ना कोई रुकावट आएगी, उसमें कोई ना कोई दिक्कत आएगी,
शरीर में कोई गंभीर कष्ट हो सकता है तो उस पर ही फोकस रखिएगा। 16 तारीख के बाद अष्टम सूर्य की वजह से शारीरिक कष्ट के योग ज़्यादा बनते दिख रहे हैं। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कार्यों में बाधा विघ्न आए तो विष्णु जी की पूजा करिएगा। विष्णु भगवान की पूजा केले की पेड़ में जल चढ़ाने से लाभ होगा। मकर राशि वालों, कोई नया कार्य पूर्ण होगा, पारिवारिक रिश्ते बेहतर होते हुए दिख रहे हैं, धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी, उसी के साथ साथ आर्थिक उलझनों का कहीं ना कहीं खात्मा होगा, दूरस्थ यात्राएं होंगी, शरीर स्वस्थ रहेगा, थोड़ा बहुत सरदर्द से रूबरू हो सकते हैं, बाकी स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। शनि स्रोत का पाठ करें। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि वाले, आपको व्यवसाय में लाभ मिलेगा, कुछ खासकर प्रभावशाली लोग आपको लाभ पहुँचाएंगे, उसी के साथ साथ कार्य सिद्धि के योग बन रहे हैं इस महीने। संतान को लेकर थोड़ी बहुत चिंता रहेगी, वो भी 16 तारीख के बाद खत्म हो जाएगी। भूमि जायदाद को लेकर अगर कोई प्रयास चल रहा है तो उसमें थोड़ा नुकसान हो सकता है, क्या करें, शनि चालीसा का पाठ करें। मीन राशि वालों, महीना बेहतर है, धन लाभ के अवसर हैं, सहयोग बेहतर मिलते हुए दिख रहा है, कार्यों में सुधार होगा, खास तौर से बिजनेस पार्टनरशिप में लाभ मिलेगा, संतान को लेकर भी लाभ के संकेत हैं। आपके मन में हमेशा ही लाभ की स्थिति रहेगी और वो लाभ होता रहेगा। हो सकता है किसी नई जगह पर जाएं, फैमिली गेट टुगेदर में शामिल हों, ये सब चलता रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा प्यार के सिलसिले में, बाकी समय अच्छा है, सुंदरकांड का पाठ या हनुमान चालीसा का पाठ करिए, लाभ मिले। तो ये था जुलाई माह का मासिक राशिफल। शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, औरों तक पहुँचाइए। आज के लिए फिलहाल प्रतीक भट्ट का बहुत बहुत धन्यवाद।